तो आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, कि एक्सरसाइज कौन सी है 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पीछे वाली वीडियो है उसके अंदर 3 तक हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर देखो क्या गिवन है आपके पास, क्या है इसमें दे रखा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। इसका मीनिंग है कि सबसे पहले तो हमें जो ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो अपने पास ये स्टेटमेंट है, इनसे लीनियर इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है आपको, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट है, 4th का फर्स्ट पार्ट। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, इलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, कि हॉस्टल के अंदर क्या है कि मंथली जो रेंट है वो मंथली लगता है, एक तो क्या है फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी किस पे डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर कितने दिन खाना लेते हो या कितने दिन रहते हो। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, तो क्या दे दिया कि एक आदमी है इसके अंदर खाना खाता है, देखो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और एक है पर डे चार्ज। ए टेक्स फूड फॉर दी 20 डेज, ठीक है, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज टू पे आरएस 1000 एज हॉस्टल चार्ज। देखो अगर कोई है, अगर एक कितने 20 डेज फूड लेता है तो कितने रुपए लगे उसके 1000, और बी है उसने कितने दिया 26 डेज लेता है तो 1180 रुपए लगते हैं। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, देखो एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो जो निकालना है उसको मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज क्या मान ले आर एस एक्स, ठीक है, आर एस एक्स फूड चार्ज और फूड पर डे या पर डे फूड चार्ज क्या मान ले आर एस या रुपीज वाई। ठीक है, देखो दो चीज निकाले हमें, एक तो फिक्स चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक क्या है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो पर डे फूड चार्ज वो क्या मान लिया हमने आर एस रुपीज वाई। अब देखो ए ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अंदर क्या है, एक ने कितने दिन फूड लिया है 20 डेज, 20 डेज है ना, तो देखो फिक्स चार्ज तो कितने लगे एक्स, एक दिन का कितने रुपए लगते हैं, देखो फूड फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है अगर हॉस्टल में रहेगा तो, एक दिन का चार्ज लगता है वाई रुपए फूड का, तो 20 डेज रहता है तो कितने हो गए 20y इक्वल टू कितने हैं इसके 1000। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखो कितने दिन लेते हैं 26 डेज, तो x प्लस में कितने होंगे 26y इक्वल टू इसके कितने लग गए 1180, इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, कि 20 दिन है तो देखो फिक्स चार्ज तो x लग गया, एक दिन का y है तो 20 दिन के कितने लगेंगे 20y इक्वल टू टोटल मिला दे तो 1000 लगते हैं, b का चार्ज क्या है फिक्स चार्ज तो x लगेगा, एक दिन का वाई रुपीज लगता फूड का, तो 26 के कितने लगे 26y इक्वल टू 1180। अब एक वन है और एक टू है, अब आपकी मर्जी इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, तो देखो क्या कर दे सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, कि टू में से वन को माइनस करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट टू, ठीक है, फ्रॉम वन, कि वन में से और हमने टू को माइनस, तो माइनस माइनस और माइनस इससे कैंसिल है, कितने बच गए माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के कितने बच गए देखो 1180 है, 1000 में से 1180 जाएंगे तो 180 माइनस माइनस प्लस के,
तो y इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 से 3, y इक्वल टू कितने हो गए 30। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है? तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। y की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, 40 या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो वन है अपने पास x प्लस में 20 मल्टीप्लाई 30, y की कितनी है 30 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, देखो 1000 ये उस साइड जाएगा तो माइनस के दोनों की मल्टीप्लाई 600, तो x इक्वल टू कितने बच गए अपने पास 400। ठीक है, तो फिक्स चार्ज क्या है आर एस 400 और पर डे चार्ज कितना है आर एस 30। तो ऐसे हमें सोल्व करने हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या गिवन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। देखो फ्रैक्शन है तो मान लेते लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है x, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना मान ले y, तो फ्रैक्शन क्या बन गया इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, या लेट डिनोमिनेटर कितना है x और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y, तो फ्रैक्शन क्या हो गया अपने पास x अपॉन y। अब देखो एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है फ्रैक्शन x अपॉन y ये कितना बन जाएगा 1/3 कब, देखो व्हेन 1 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x इसको इस साइड ले आए माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है अपने पास कि देखो इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ये क्या बन जाएगा 1/4 क्या है, देखो x अपॉन कितना है y, ये कितना बन जाएगा 1/4 कब, जब इसके अंदर कितना ऐड कर दे हम 8 इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो देखो y में प्लस होगा, ये क्या होगा आपके पास 4x इक्वल टू, ठीक है क्या हो गया 4x इक्वल टू y प्लस 8। अब ये क्या आ गया देखो 4x माइनस y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के x की और y की वैल्यू निकालनी है, जो x और y की वैल्यू आएगी उसको क्या लिख देंगे x की ऊपर वैल्यू अपॉन में y की, वो आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है देखिए क्या थर्ड पार्ट में, यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यश ने कितना स्कोर किया है 40 इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग लॉस होता है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हेड फॉर गेटिंग, ठीक है हेड फॉर गेट 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer. Then yes would have scored 50 marks. पहली कंडीशन में तो 40 marks मिले हैं इसको और दूसरे में कितने मिले हैं 50. How many questions were be there in test? कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे? तो देखो मान लेते हैं let
यस नंबर ऑफ करेक्ट, देखो उसने क्या है कि करेक्ट आंसर करता है तो नंबर मिलते हैं, रॉन्ग करता है तो नंबर काट लिए जाते हैं। दो कंडीशन है तो ये तो नहीं पता हमें कि करेक्ट आंसर कितने हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर एक्स और रॉन्ग कितने मान ले, लेट दी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने मान ले, रॉन्ग आंसर वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन में देखो अगर वो करेक्ट में करता है तो उसको तीन नंबर मिलते हैं। देखो एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, करेक्ट के तीन, तो करेक्ट टोटल कितने किए एक्स, तो कितने नंबर हो गए उसके थ्री एक्स। देखो एक और क्या है, एक नंबर काट लिया जाता है फ्रॉम इट्स राइट आंसर एंड लॉसिंग वन फॉर रॉन्ग आंसर, और एक नंबर लॉस होता है मींस काट लिया जाता है, एक नंबर एक क्वेश्चन का एक कटेगा तो टोटल गलत कितने किए हैं वाई, तो इसका स्कोर कितना हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में देखो क्या है, 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट के लिए कितने मिलते हैं, चार नंबर, तो एक के चार मिले हैं, टोटल कितने किए हैं एक्स, लॉस के कितने कटते हैं तो क्या होगा माइनस, एंड हैज बीन अवार्डेड फॉर करेक्ट एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, तो गलत के कितने कटते हैं, एक क्वेश्चन के दो नंबर कटते हैं तो टोटल कितने होंगे 2y, और कितने नंबर आएंगे इस कंडीशन में इसके 50। इक्वेशन नंबर 2, अब देखो दो इक्वेशन बन गई, अब इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के आगे आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्या करोगे इसको सोल्व इफ, ठीक है कि आप खुद सोल्व करना है इससे आगे का क्वेश्चन है। उसके बाद है देखो फोर्थ है इसका, फोर्थ में गिवन है पैलेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स, तो कार की स्पीड निकाले। देखो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड निकालनी है तो स्पीड को क्या करोगे, लेट लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए, देखो इसको क्या मान ले, यू या एक्स जो मर्जी आपकी मान सकते हो, चलो मैंने मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर, लेट दी स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से होती है तो उसकी क्या मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक बी से। अब ये देखो आप, ये ए हो गया और ये बी है, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी आपकी है 100 किलोमीटर। अब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी, इसका मीनिंग ये कार भी इस साइड जाएगी और ये भी इस साइड, सपोज करो ये सी पे जाके मिलती है, कहां पे मिलती है सी पे, देखो ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर, कि एक घंटे में कितने चलती है एक्स किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितनी चलेगी 5x, यहां से यहां तक चलने में, ठीक है यहां से यहां तक चलती है तो ये क्या होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है आपकी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो ये सपोज करो सी पे जाके मिल गई दोनों का, ए से गई है वो भी और बी से चलती है वो भी, कहां पर जाके मीट हो गए सी पे, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से
और ये डिस्टेंस घटा दें हम तो कौन सी आ जाएगी अपने पास, ये वाली आ जाएगी, और ये कितनी है 100 है। तो क्या हो गया देखो आपके पास, अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी, देखो क्या है एक घंटे में कितनी स्पीड है x, टाइम कितना लग गया यहां से यहां तक जाने में 5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस क्या होगी देखो, AC माइनस के हम क्या कर दें BC, तो क्या आ जाएगी AB डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, AC में से और क्या BC घटा दे तो क्या बच जाएगा AB। AC की डिस्टेंस क्या है 5x, माइनस के ये क्या है 5y, इक्वल टू कितना है 100। क्यों आया 5 देखो, यहां से यहां तक चलने में इसको 5 घंटे लगे हैं, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग गया 5, तो डिस्टेंस क्या होगी 5x, ठीक है। यहां से चलती है तो इसको भी 5 आवर्स लगे हैं, तो स्पीड क्या है इसकी y, डिस्टेंस और टाइम कितना लग गया 5 आवर, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई सॉरी टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी 5y, तो ये 5x में से 5y घटा दे तो क्या आ गया 100 है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या है देखो, अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इफ दे ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मीनिंग है देखो ए, ये अपना ए है और ये क्या है बी है, ये कार इस साइड जाएगी और ये कार इस साइड आएगी, ठीक है, तो टाइम सपोज करो दोनों यहाँ के मिल गई सी पे, तो कितना टाइम लग गया है इनको 1 आवर्स, तो इसकी स्पीड कितनी है देखो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लग गया 1 आवर्स, 1 घंटा, तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड एक्स है टाइम 1 आवर्स है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्स किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया वाई किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास से एक्स प्लस में वाई, ठीक है, इक्वल टू 100 है। अब दो इक्वेशन आ गए आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ कार भी स्टार्ट फ्रॉम ए से है उसकी आ जाएगी, और वाई की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ कार भी स्टार्ट फ्रॉम बी से जो कार स्टार्ट होती है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे सॉल्व करना आपको। इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, तो मान लेते हैं देखो इसकी कोई भी रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, रिड्यूस में नहीं होता कम करना, ठीक है, इंक्रीज में नहीं बढ़ाना, रिड्यूस में नहीं कम करना, रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स मीटर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वाई मीटर, हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, अकॉर्डिंग देखो इसका एरिया क्या होगा एक्स और वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स और वाई, यही होगा ना, एक्स वाई स्क्वेयर स्क्वेयर मीटर, ठीक है एक्स। अब ये देखो इसमें मीटर वगैरह तो कुछ नहीं दे रखा, तो आप इसमें मानोगे एक्स यूनिट, ठीक है, और इसको क्या मानोगे वाई यूनिट, अगर मीटर सेंटीमीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर लगाते हैं। अब देखो क्या है,
अब इसने क्या दे दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होगा इसका एक्स और वाई, वो 9 स्क्वायर यूनिट कब हो गया, ठीक है कब, जब देखो इसकी इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 3, लेंथ क्या है एक्स, उसको कितना कम कर दे 3, एंड इज रिड्यूस बाय, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को तो हम क्या कर दे 5 यूनिट कम कर देते हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ क्या है वाई, वाई को 3 इंक्रीज कर दे, तो क्या हो गया देखो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 3x माइनस के 5y और माइनस के 15, ठीक है ऐसे सॉल्व कर लेना एक्स वाई से एक्स वाई क्या बच गया देखो 3x माइनस के 5y, ठीक है ये इक्वल टू से इस साइड आएगा, तो देखो माइनस के 9 है और प्लस के 15 तो कितना बच जाएगा 6, इस साइड आके प्लस का 15 हो गया ना और माइनस के 9 है प्लस का 15 तो 15 में से 9 गए तो 6। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है देखो क्या है सेकंड कंडीशन में, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, देखो लेंथ है एक्स उसको कितनी बढ़ा दे 3 यूनिट, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ क्या है वाई उसको कितनी बढ़ा दे हम 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज, तो एरिया क्या है एक्स वाई वो कितना इंक्रीज हो गया 67 करो तो एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y और प्लस में 6 इक्वल टू क्या है एक्स वाई प्लस में 67, यहां से क्या आ गया अपने पास देखो 2x प्लस में 3y इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो कितने बच गए 61। इक्वेशन नंबर 2, अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अब आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है जो x की वैल्यू आएगी वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 3.5 का कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है इसको कंप्लीट करना आप।